लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे दिलों में हेलो हेलो सर, पिगल आई स्पीकिंग। विजय और उसके साथियों का पता चल गया है। कहाँ है वो? वो उत्तर दिशा की पहाड़ियों में छुपे हैं। और तुम सबको लेके मेरे पीछे आओ। यस सर। उसको नीचे पहुंचाओ और इस इलाके को एम्बुश करो। यस सर। Thank you.
विजय, मैं एक क्रांतिकारी की बेवा बनकर जीना पसंद करूंगी, ना कि किसी गद्दार या बुजदिल की सुहागन। विजय, विजय मेरी मांग भर दो। विजय के आने से पहले पुलिस और गुंडों के डर से हम अपने घर के दरवाजे दिन में भी बंद रखते थे। विजय के आने के बाद तो हम रातों में भी दरवाजे खुले रखकर चैन की नींद सोते हैं। वो तो गरीबों और मजबूरों का रखवाला है, भगवान उसे कभी मरने नहीं देगा। राठौर साहब, हमारे विजय भैया को बचा लीजिए, आपके सिवा उसका भगवान कौन हो सकता है। सर आप यहाँ? डॉक्टर, विजय को जिंदा रहना है, नहीं तो लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, हमें इसकी जिंदगी नहीं मौत चाहिए। ये इंजेक्शन दो और इसे खत्म कर दो। नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा। डॉक्टर, Ah.
साइलेंस योर ऑनर, सारे गवाहों और सबूत की रोशनी में ये बात खुलकर साबित होती है कि मुलजिम विजय प्रकाश ने अपने साथियों की मदद से बस्ती में फिरका वाराना फसाद करवाया। वक्तन फोक्तन इसने इज्जतदार अमीरों और सेठों को लूटा, शरीफ एमएलएस को गोलियों और बम से जला दिया, चीफ मिनिस्टर सत्या सिंह के बेटे सुंदर सिंह का अगवा किया, और जब वो इसकी मिजाज कुर्सी के लिए हॉस्पिटल में गया तो बड़ी बेदर्दी से उसको वहाँ पर मौत की नींद सुला दिया। मैं अदालत से पुरजोर दरख्वास्त करता हूँ कि मुलजिम विजय प्रकाश और उसके साथियों को मौत की सजा दी जाए, ताकि आइंदा कभी कोई गुमराह नौजवान बगावत को इंकलाब के झूठे नारे से पुकारने की हिम्मत न करे। That's all, Your Honor. Thank you. मुलजिम विजय और उसके साथियों के बचाव की पैरवी करने के लिए जिन वकील महाशयों ने कागजात पेश किए थे वो उन्होंने बारी बारी वापस ले लिए हैं। इसलिए कि उन्हें सत्या सिंह ने धमकियां भेजी हैं। मुलजिम अगर चाहे तो अपने बचाव के लिए अदालत से कानूनी मदद ले सकता है। नहीं, हम सरकारी मदद लेना नहीं चाहते। जब तक कोई रोशन जमीर वकील जनता के जज्बात की तर्जुमानी करने बजाते खुद सामने ना आए, मैं समझूंगा कि लोकतंत्र के दिन गिने चुने रह गए। इस मुकदमे की पैरवी हम करेंगे। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। ये इस मुकदमे का काउंटर प्लेंट है। यू मे प्रोसीड। ये काला कोट और ये काला गाउन राज बहादुर राठौर का पेशा नहीं, धर्म है। सब लोग जानते हैं कि जब जब सच के मुंह पर कालक पोती गई हमने ये कोट पहनना जरूरी समझा। ये भी क्या खूब तमाशा है कि कानून बनाने वालों ने कानून के साथ साथ कानून के खूबसूरत मूरत बनाई, उसके हाथ में इंसाफ का तराजू दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई। योर ऑनर, हम इंसाफ की आंखों से पट्टी उतारना चाहते हैं ताकि वो देख भी सके। अदालत से गुजारिश है कि फैसला सादर करने से पहले वो मुलजिम के हाल को ही ना सुने बल्कि उसके हालात को भी देखे। आई ऑब्जेक्ट विद ऑल लीगल फोर्स ऑफ द लैंड योर ऑनर। हम यहां मुलजिम को सोने का तमगा देने के लिए जमा नहीं हुए हैं जो उसके हालात को देखे। हमें सिर्फ ये जानना है कि मुलजिम ने कानून का उल्लंघन किया है या नहीं, जुर्म किया है या नहीं। नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। सरकारी वकील साहब ने मुलजिम के खिलाफ इल्जामात का जो रंग दिया है वो सुनने में तो सच्चा लगता है लेकिन देखने में झूठा है। इस केस की बुनियाद सत्य सिंह के कराए गए उस मशहूर फिरका वाराना फसाद से शुरू होती है जिसमें दूध पीते बच्चे से लेकर बीमार बूढ़े तक गुंडों और पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। उसमें विजय प्रकाश की नेक माँ और मासूम बहन भी शामिल थे, मगर अफसोस कि सत्य सिंह की इस घिनौनी हरकतों पर अदालत में आज तक कोई मुकदमा नहीं आया। आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस मुकदमे में बार बार चीफ मिनिस्टर का नाम क्यों चला जा रहा है? इसलिए कि आप के चीफ मिनिस्टर की साजिशों की वजह से ही इस मुलजिम और उसके साथियों का जन्म हुआ। योर ऑनर, ये कैसेट है, इसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। इससे पता लगेगा कि सत्य सिंह, इंस्पेक्टर दामोदर और बलराज साहू ने मिलजुल कर इस औलनाक बर्बादी का खेल कैसे रचाया। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। योर ऑनर, ये एक लाफानी सच्चाई है कि एवरी एक्शन बिगेट्स एन
इक्वल रिएक्शन, हर अमल का रद्द अमल बराबर होता है। मैं पूछ सकता हूं कि लोकतंत्र में जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना क्या जुर्म है? जी हाँ, जुर्म है। अपने बचाव के लिए हो या अपने विचारों के प्रचार के लिए, किसी की जान लेना जुर्म है। कानून के दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं, असेंबली में आवाज उठाई जा सकती है, ये सब झूठे दिलासे हैं। Not bad. मिस्टर राज बहादुर राठौर, अदालत आपसे उम्मीद करती है कि फिर कभी ऐसा खतरनाक ड्रामा करना हो तो अदालत को एतमाद में लेकर करें। Now you may proceed. अभी अभी सरकारी वकील साहब जान बचाने की गुर बता रहे थे, लेकिन जब उनकी अपनी जान पर बनी तो उन्होंने कानून को इस खंजर की तरह हाथ में थाम लिया। खंजर नकली था, वरना वकील साहब हथकड़ियों में नजर आते। एग्जिबिट नंबर 2, इनके सामने कोई जाती फायदा नहीं, एक अच्छा सामाजिक मकसद है। ये मुजरिम नहीं, इनकलाबी हैं, और आज तक दुनिया में इनकलाब को किसी ने मुर्दाबाद के नारे से नहीं पुकारा, हमेशा जिंदाबाद के नारे से पुकारा है। सिविल डिसोबीडियंस के दौरान आजादी के नारे लगाए, हमने आजाद हिंद के नाम से फौज भी तैयार की, और जो लोग गोली और फांसी का शिकार हुए उन्हें शहीद के नाम से याद किया जाता है, और जो बच गए उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। योर ऑनर, आजादी एक लम्हा नहीं, एक सिलसिला है, और ये लोग इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं अदालत से अपील करता हूं कि इनसे वही सलूक किया जाए जो एक इनकलाबी इनकलाबी के साथ करता है, और ये भी अपील करता हूं कि चीफ मिनिस्टर सत्य सिंह के खिलाफ जो इल्जाम हैं उन्हें एक अदालती कमीशन बिठा कर उनकी तहकीकात की जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस मुकदमे का फैसला 14 अगस्त को सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज अजर्न। साइलेंस साइलेंस। बगावत और इनकलाब दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो बगावत कामयाब होती है वो इनकलाब कहलाती है, और जो इनकलाब नाकाम होता है वो बगावत कहलाता है। श्री सत्या सिंह की सरकार ने आवाम की बेचैनी को समझने और उसे दूर करने के बजाय उन पर जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है। इन हालात में मुलजिम विजय प्रकाश और उसके साथियों ने मजबूरन गैर कानूनी कार्रवाई की है, हालांकि उनका मकसद आवाम की भलाई ही क्यों न हो। चूँकि अदालत के इख्तियार बनाए हुए कानून के दायरे में महदूद है, इसलिए अदालत मुलजिमों को इनकलाबी मुजरिम करार देते हुए विजय प्रकाश को 6 साल, सुजाता सिंह अकबर हुसैन को 3 साल और उनके साथियों को 1 साल जेल सुनाती है, और साथ साथ अदालत हुकूमत को ये हुक्म देती है कि वो सत्या सिंह चीफ मिनिस्टर पर रिश्वत और फिरका वाराना फसादात के जो इल्जामात अदालत के सामने आए हैं उस पर फौरन एक इंक्वायरी कमीशन बिठाए और अदालत में मुकदमा दायर करें। सर, आपसे काबिल लीडर कोई और हो ही नहीं सकता। असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने वाली है, हम वहां सत्य सिंह के गुनाहों का एक एक करके हिसाब मांगेंगे, और असेंबली में भी हम तुम्हारी रिहाई के लिए जंग जारी रखेंगे।
श्री सत्य सिंह मुख्यमंत्री के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था उस पर चर्चा करने के बाद जो वोटिंग ली गई थी उसका नतीजा इस प्रकार है। श्री सत्य सिंह को सिर्फ एक वोट मिला है, शायद वो वोट भी उनका अपना ही हो। बाकी सारे वोट श्री राजबहादुर राठौर के पक्ष में आए हैं कि वो अपनी सरकार का त्याग पत्र अर्पण करें। शर्म आती है इसलिए ड्यूटी करते हैं। कम है तुम जैसे कमीने चंद लोगों को चंद महीनों के लिए तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए नहीं। कम ऑन। मुलजिम सत्या सिंह पर जो अदालती इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था उसकी रिपोर्ट और अदालत में पेश किए गए सबूत और बयानात की रोशनी में यह साबित होता है कि मुलजिम की पिछली जिंदगी मतलब पसंदी, मौका परस्ती और ओहदे का नाजायज फायदा उठाने का नमूना थी। इसने अपने सियासी दौर में रिश्वत और लूट खसोट से करोड़ों की दौलत और जायदाद बनाई। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इसने फिरका वाराना फसादात कराए, मगर बराए रास्त इस पर किसी के कत्ल का इल्जाम साबित नहीं हुआ। और इसने राज बहादुर राठौड़ पर गोली चलाने की जो कोशिश की थी वो उसके गैर तवाजुन जहन का जज्बाती अमल था। इसलिए अदालत इसे साबित शुदा इल्जाम का मुजरिम करार देते हुए इसकी सारी दौलत और जायदाद जब्त करके सरकारी खजाने में शामिल करने का हुक्म देती है और साथ ही 5 साल कैदे बामुशक्कत सुनाती है। एज यूजुअल मुझे वक्फ बोर्ड की मिनिस्ट्री दी गई है। सिक्योरिटी आउट आउट। अब हमें और हमारी अवाम के दरमियान ना कोई रुकावट रहेगी और ना कोई फासला। सर आपके बगैर ये इनकलाब मुमकिन ना था। और तुम्हारे बगैर भी।